हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आज आप मिनिमा कॉइन कैसे विड्रॉ कर सकते हो जिसने भी वीपीएस से रन किया होगा। जैसे कि मैं बता देता हूं कि जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने दो वीडियो डाला था। पहला वीडियो मैंने जब डाला था तो उसमें खाली एंड्रॉयड यूज़र के लिए बताया था कि कैसे आप मिनिमा रन कर सकते हो मोबाइल में। उसके बाद जब मैंने बताया था सेकेंड वीडियो जिसमें मल्टीपल रन कर सकते थे अपने नोट से, एक मिनट, ये वाला वीडियो है, तो जिसने भी अगर नोट से रन किया है तो उसको वो कैसे विड्रॉ करेगा वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको एक सर्वर चाहिए होगा। आपके पास अगर कोई भी बैकअप की नहीं है, सीट की नहीं है, इंसेंटिवाइज आईडी हो, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। आप एक सर्वर लो, एक नया, उस पर आप 10, मतलब क्या बोलते हैं, $10 के अंदर वाला कोई भी एक सर्वर बाय करो और उसके बाद आपको सर्वर को लॉगिन करना है। तो मैं सर्वर लॉगिन करके आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे मेरा आईपी आ गया, जैसे यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है, फिर आपको ये वाला जो लिंक रहेगा मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आपको सबसे ऊपर आना है, यहाँ पे रहेगा स्टार्ट योर नोड, यहाँ से आपको पहला कमांड कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर आपको एक नया पासवर्ड बोलेगा, तो आप यहाँ पे एक सिंपल सा एक पासवर्ड बना लेना, ऐट द रेट मत लगाना पासवर्ड में, सिंपल रखना, जैसे डेमो ऐट द रेट डेमो 2023 ऐसा रखना। फिर यहाँ पे आपको पूछेगा, तो यहाँ पे फुल नेम जैसे आएगा तो आप वहाँ पे आपको एंटर 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 करना है और यहाँ पे वाई टाइप करना है। एक मिनट, यहाँ पे आपको वाई टाइप करना है, हो गया आपका ये। फिर आपको सेकंड कमांड कॉपी करना है, मतलब थर्ड वाला, फिर उसके बाद फोर्थ वाला, कॉपी पेस्ट करते जाओ, फिर फिफ्थ। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है जो आपने अभी बनाया था, वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दो और फिर आपको यहाँ पे छठवा कमांड कॉपी करके पेस्ट करना है। इसमें आपका बहुत टाइम लेगा, जैसे 1 से 2 मिनट। फिर होने के बाद आपको सेवन्थ कमांड जो रहेगा ये कॉपी करके पेस्ट करो, फिर एट, फिर नाइन्थ वाला कॉपी करो, सिंपल है एकदम। फिर आपको ये वाला कॉपी करना है, फिर अपने नोटपैड में डालना है और फिर यहाँ पे लिखा है ना MDS पासवर्ड, इसे आप चेंज कर दो। आप कुछ अपना पासवर्ड रखना, जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ डेमो 2023, आपको दिखाने के लिए खाली ऐसा रख रहा हूँ। लेकिन पासवर्ड में कभी भी ऐट द रेट मत लगाना, जैसे कुछ भी रखना, नाम रखना और फिर नंबर रखना। फिर आपको ये भी, फिर आपका इंस्टॉल होगा, कॉपी करके आपको VPS में पेस्ट करना है। फिर आपको उसके बाद वाला कमांड कॉपी करना है, पेस्ट करना है सिंपली। फिर आपका नोड रन हो चुका है आपका नोड, ये डालोगे आपका नोड रन हो चुका। फिर आप ये वाला एक बार डाल के चेक कर लेते हैं, हो गया अभी। अब आपको क्या करना है, अपना कॉपी करना आईपी एड्रेस और यहाँ पे पेस्ट करना है गूगल पे, और यहाँ पे ये वाला जैसा दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे semicolon 9003, फिर आपको कॉपी करना है, यहाँ पे HTTPS रखना है। फिर आपको यहाँ पे ऐसा लॉगिन होगा, MDS लॉगिन में आपको क्या डालना है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था डेमो 2023 जैसे मैंने क्रिएट किया था। फिर आपको आना है मिनी डैप पे, ये दोनों आपको डाउनलोड करना है, आईपी और वॉलेट वाला। डाउनलोड करने के बाद आप आ जाना अपने MDS लॉगिन वाले पेज पे। फिर मेन मेनू में आने के बाद यहाँ पे रहेगा इंस्टॉल मिनी डैप, जो हमने डाउनलोड किया मिनी डैप से वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, जैसे वॉलेट मैंने इंस्टॉल कर लिया। फिर उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है आईपी रिवॉर्ड वाला, तो आपको यहाँ पे फिर से आना है चूज़ फाइल में, यहाँ पे आना है आपको आईपी रिवॉर्ड वाले में, फिर आपको इसे भी इंस्टॉल करना है। जैसे ये हो गया, ये दोनों इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, तीन चीज़ खोलना है आपको। वॉलेट खोलना है 2.1 क्या बोलते हैं 2.12 वाला, और फिर आईपी रिवॉर्ड खोलना है और यहाँ पे आपका टर्मिनल खोलना है। फिर यहाँ पे आईपी रिवॉर्ड में जैसे मैं अपना एक आईडी ओपन करके दिखाता हूँ, एक मिनट, जैसे देख सकते हो मेरा विड्रॉवल एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसे हम चेक करेंगे कि मेरा एड्रेस मेरे ही मतलब है कि नहीं, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। रिसीव में आना है, यहाँ पे देख सकते हो नोड एड्रेस बिलोंग टू दिस नोड, यस, मतलब ये एड्रेस मेरा ही है। तो अभी एड्रेस का हमें बैकअप की चाहिए, जैसे सीट की होता है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है वॉल्ट। वॉल्ट सर्च करने के बाद आपको आना है पेंडिंग एक्शन में, फिर आपको यहाँ पे आना है एक्सेप्ट करना है, ओके करना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपका यहाँ पे पूरा की दिखेगा 24 वर्ड का, और यहाँ पे आपका सीट भी आएगा, तो आपको इसे पूरा सेव कर लेना है। आपका ये सेव होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको अपने नोट का भी बैकअप लेना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है बैकअप पासवर्ड semicolon demo 2023, फिर कन्फर्म semicolon demo 2023, सेम चीज़ आपको कॉपी करना है, फिर पेस्ट करना है। फिर मिनी डैप में आके पेंडिंग में आना है, पेंडिंग एक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, फिर ओके करना है। ये कमांड मैं आपको एकदम अच्छे से सब बता दूंगा। अभी देख सकते हो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, मेरा जितना की है जनरेट हो रहा है, तो आपको 1 से 2 मिनट बाद वापस हम इसे करते हैं। तो ये मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने नोटपैड में सेव कर लेता हूँ। फिर इस सेम चीज़ को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और फिर एंटर हिट करो। फिर आपका फिर से पेंडिंग में गया रहेगा, पेंडिंग एक्शन में आओ और यहाँ पे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करोगे इस बार आपका दिखेगा, आपका मतलब जो की रहेगा कहाँ पर सेव हुआ है, तो देख सकते हो यहाँ पे अभी दिख रहा है, यहाँ पे फाइल दिख रहा है ना आपको, देख सकते हो। आपको मेन चीज़ आपका सबसे मेन है पासवर्ड, फिर उसके बाद जो आपका फाइल है,
फाइल जो सकते हो वाला .bak, ये फाइल आपको एक्सेस करना है। तो आप कैसे करोगे, आपका ये कॉपी करो एड्रेस, और फिर टर्मिनस में आओ, पीसी में आना है टर्मिनस में, फिर कनेक्ट करना है, और फिर आपका ये कनेक्ट होने दो। कनेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, SFTP में आना है, और यहाँ पे आपको लिखा सिलेक्ट होस्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपका जो रहेगा अभी नोड ए वाला, इसे आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं, तो उस पर क्लिक करो। फिर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आपको होम पे आना है, फिर मिनिमम में आना है, फिर ऐसे करके आना है। तो आपको यहाँ पे होम पे जाना है, फिर देख सकते हो मिनिमा लिखा है, फिर मिनिमा में आओ, फिर मिनिमा 9001 में आओ, फिर ये सेम फाइल आपको मिल जाएगा। आपको किसे क्या करना है, आपको अपने लोकल फाइल में सेव करना है। लोकल फाइल मतलब आपके जो कंप्यूटर है उसमें। तो आप यहाँ पे एक नया सा मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ मिनिमा डेमो करके, मैं इसका नाम दे के सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे कंफर्म कर दूंगा, और फिर मैं इसे ओपन करूँगा, और फिर ये जो फाइल है मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे सेव कर दूंगा। अभी मेरे लोकल फाइल में सेव हो गया है, और यहाँ पे हमें अब इस वाले नोट से कोई काम नहीं है, तो हम इसे यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। अब समझ लो कि आपने, आपके पास क्या आ गया, आपका बैकअप किया गया नोट का, यहाँ पे आपका बैकअप किया गया, इसे आप सेव कर लो, एक मतलब पता रहेगा कि। और फिर आपका ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस का आपके पास सीड की भी आ चुका है, जो कि आपके नोट से बिलोंग करता है। तो अब आपने समझ लो कि आपने इसे विड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे आपने इसे रिक्वेस्ट करके विड्रॉ कर दिया 1 मिनट। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि चेक करना है कि आपका विड्रॉ हुआ है सही एड्रेस पे, वो नोड आप कैसे एक्सेस कर सकते हो दोबारा से सेम। तो आप एक नया VPS एक फटाक से मतलब दूसरा बना के चेक करो, रिकवर वाला। तो मैं इसे एक सेम VPS बना के वापस से ट्राई करूँगा। तो हमें इस दूसरा VPS को भी सेम चीज़ करना है, मिनिमा का नोड रन करना है। तो यहाँ पर मैं न्यू पासवर्ड दे के अपना एक नया नोड रन करता हूँ मिनिमा का, देख सकते हो। फिर आपको सेम चीज़ करना है, स्टार्ट योर नोड, यहाँ से मैं कमांड कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा एक एक करके। यहाँ पे पासवर्ड आप कुछ भी डाल दो, फिर कंफर्म करो पासवर्ड को, फिर यहाँ पे एंटर एंटर करते जाओ, फिर वाई टाइप करो, फिर एंटर करो। फिर आपको सेकंड कमांड कॉपी करना है, फिर सेकंड मतलब थर्ड वाला था वो, फिर फोर्थ करना है, फिर फिफ्थ करना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर आपको सिक्स वाला करना है, इसमें थोड़ा टाइम लेता है बताया था, फिर आपको सेवन्थ वाला करना है, फिर एट, फिर नाइन्थ वाला करना है, फिर आपको ये वाला कॉपी करना है, फिर अपने नोट पेज में जाना है। नोट पेज में आने के बाद आपको यहाँ पे आप दूसरा कर रहे हो, तो इसको आप सेव कर लेना, मिनिमा रिकवर कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे पासवर्ड में आप जैसे मैंने उसमें demo2023 डाला था, इसमें भी वही डाल के मैं इसे कॉपी करूँगा पूरा। इसे कॉपी करके नए वाले नोड में इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर ये रन होगा। फिर हमें इस 11th वाला कमांड कॉपी करना है, अभी नोड अपना ये रन हो चुका है, इसे भी मैं पेस्ट करके डाल देता हूँ, फिर ये डाल देता हूँ। अब अपना ये नोट का काम हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को इसे कॉपी करना है, और हमें इसे टर्मिनस में खोलना है, या फिर क्या बोलते हैं, हाँ ये दूसरा एक गूगल क्रोम होगा आपके पास, उसमें आप इसे खोलो, 9003 डालो, और यहाँ पे अभी खुलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे HTTPS नहीं है, HTTP होगा। तो हमें इसे कॉपी करना है पूरा, फिर मैं पेस्ट करूँगा, फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे HTTPS करना है, फिर एंटर करो, फिर एडवांस पे जाओ, फिर प्रोसीड करो, फिर MDS लॉगिन में आओ, फिर यहाँ पे demo2023 जो मेरा पासवर्ड है वो मैं डाल के यहाँ पे लॉगिन करूँगा। फिर यहाँ पे मैं मेन मेन्यू में आऊँगा, फिर आपको जैसे मिनी डेप से हमने वॉलेट और IP इंस्टॉल किया था, सेम इसमें भी वही करेंगे। मैं करके नहीं दिखाऊँगा बार बार क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो जैसे देख सकते हो तो मैंने दोनों इंस्टॉल कर लिया है। फिर हमें क्या क्या खोलना है, वॉलेट खोलना है, टर्मिनल खोलना है, और IP खोलना है, ठीक है। तो मैं तीनों ओपन करता हूँ 1 मिनट, यहाँ से वॉलेट खोल लेता हूँ, फिर टर्मिनल, और फिर अपना IP। IP में मैं फिर से वही वाला एड्रेस मतलब ये वाला अपना ID खोलूँगा, यूज़र नेम वाला, इसे मैं कॉपी करके वहाँ पे खोलता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करो। यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन हो गया, यहाँ पे मेरा विड्रॉ का जो एड्रेस है मैं इसे मैं वॉलेट में चेक करता हूँ। रिसीव में जाने के बाद यहाँ पे वॉलेट में एड्रेस चेक करो, चेक एड्रेस करो, फिर देख सकते हो कि ए एड्रेस पे ए वाला नोट
पे बिलोंग करता है एड्रेस, लेकिन अभी मैं इस पे चेक करूँगा जिस पे मेरा पहले वाला था, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे दिखाएगा कि नो दिखाएगा, सीधा देख सकते हो एड्रेस बिलोंग टू दिस नोड, नो। तो अभी हमें कैसे यस करना है, हमें यहाँ पे जो हमने इसमें से बैकअप लिया था फाइल का, वो हमें उस पर रीस्टोर करना है। तो हमें रीस्टोर कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा, सबसे मेन चीज़ वही है, रीस्टोर कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले आपको नए वाले पे आना है। यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ वॉल्ट में कि ये अलग आईडी है, मतलब जो ये नया है। यहाँ पे वॉल्ट टाइप करने बाद पेंडिंग एक्शन में आएंगे, एक्सेप्ट करता हूँ इसको, फिर ओके करो। देख सकते हो ये वाला जो अपना एड्रेस है दूसरा की है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हेल्प पे जाना है, हेल्प कमांड, उसमें हमने क्या डाला था, हेल्प कमांड बैकअप, इसमें डालेंगे हेल्प कमांड रीस्टोर। रीस्टोर डालने के बाद आपको क्या करना है, एंटर डालना है, फिर आपको यहाँ पे एग्जांपल आएगा, फिर ये एग्जांपल पूरा कॉपी करना है। उसके पहले आपको क्या करना है, टर्मिनस में आप वापस आओ, यहाँ पे सिलेक्ट होस्ट करो। होस्ट सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि पहले आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना पहले आईपी कॉपी करो ये वाला जो नया वाला है रिकवर का, और फिर हम इसे फिर से रन करेंगे, मतलब टर्मिनस में इसे हम रन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपने आईपी को, देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट ओवर पे करना है, फिर एड्रेस न्यू, फिर ये जैसे देख सकते हो ये मेरा नया वाला नोड रन हो चुका है। अब मुझे आना है SFTP में, और फिर देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है सेम 135 वाला। अब ए वाले में हमें ए .BAK फाइल इसमें इम्पोर्ट करना है। तो होम में आएंगे, मिनिमम में आएंगे, मिनिमम 911, इसमें क्यों नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमने इसका बैकअप ही नहीं लिया है। जिसका बैकअप रहेगा उसी का यहाँ पे जनरेट होता है बराबर। तो ये भी हमने इसमें इसको डाल दिया है। तो अब क्या करना है, ये वाला पूरा कमांड कॉपी करो, यहाँ पे देख सकते हो रीस्टोर फाइल सेमीकॉलन डबल सेमीकॉलन, फिर ए वाले का कॉपी करो, मतलब आई मतलब क्या जो है पूरा नेम, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा, फिर यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड सबसे मेन है। पासवर्ड क्या रहेगा, जो हमने बैकअप में पासवर्ड डाला था, काहे को हम बैकअप ले रहे हैं, तो बैकअप का पासवर्ड क्या डाले थे, demo2023। तो हमने किस सीक्वेंस में डाला था वो वाला हमें उठाना है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पासवर्ड demo2023, इसे हमें यहाँ पे पेस्ट करना है और फिर एंटर दबाना है। फिर यहाँ पे जाएगा पेंडिंग में, फिर हमें यहाँ पे आना है पेंडिंग एक्शन में, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, फिर ओके करो। थोड़ा टाइम लेगा ये, देख सकते हो यहाँ पे रीस्टार मिनिमम फॉर रीस्टोर टू टेक इफेक्ट। तो अभी ये रीस्टार्ट होने में थोड़ा 4 से 5 मिनट लेगा, तो आपको सिंपली वेट करना है। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद वापस ट्राई करो, लॉगिन करो MDS लॉगिन पे, अपना यूज़र नेम और क्या बोलते हैं अपना पासवर्ड डाल के। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर मेन मेन्यू में आ जाते हैं, और यहाँ पे जो सब कुछ पहले का था उसे हम कट कर देते हैं और वापस से वॉलेट खोलेंगे, क्योंकि रीस्टार्ट हुआ है तो सब कुछ रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो वॉलेट पे जाना है, फिर टर्मिनल पे आ जाते हैं, एक मिनट आईपी वाला ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे टर्मिनल। अब मैं यहाँ पे आईपी से मतलब यहाँ पे पहला वॉल्ट यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे रिसीव पे आ जाते हैं। यहाँ पे आईपी में पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर देख सकते हो लॉगिन करने बाद ये विड्रॉवल एड्रेस आया मेरा। अब मैं इसे चेक करता हूँ, ठीक है 135 वाले आईपी पे अब चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे यस बताएगा। अब उसमें चेक करना है यहाँ पे यस बता रहा है कि नहीं, जो पुराना वाला था अपना, ये वाले पे आके, हाँ 195 वाले पे आके मैं चेक करूँगा कि इस पे भी बता रहा है कि नहीं। देख सकते हो यहाँ पे भी एड्रेस बिलोंग टू दिस नोड यस, मतलब समझ जाओ कि हमारे वाले ने बैकअप सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब रिस्टोर कर लिए। अब वॉल्ट टाइप करके हम चेक करते हैं दोनों का कीस बराबर है कि नहीं, पेंडिंग में आना है, एक्सेप्ट करना है, ओके करना है। देख सकते हो यहाँ पे सेम की यहाँ पे भी होगा, एक मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पे भी वॉल्ट सर्च कर मतलब टाइप करो और एंटर करो, यहाँ पे पेंडिंग में आओ। ये मेरा सबसे पहला वाला आईडी है, इसका ही हमने बैकअप लिया था और उसमें रिस्टोर किया, और रिस्टोर करने के बाद जो वहाँ पे किया आया यहाँ पे भी सेम फ्रेश किया आ रहा है, मतलब समझ जाओ कि आपका सक्सेसफुली बैकअप हो चुका है। यहाँ पे फिर बैकअप होने के बाद आप रिक्वेस्ट करो विड्रॉवल, आपका विड्रॉवल आएगा 21 मार्च को, तो उसके पहले नहीं आएगा। अगर आपका एरर आता है कि कैसे टर्मिनस में मैं इसे बैकअप लूँ मतलब डालूँ, और फिर क्या बोलते हैं अपना नोट का कैसे बैकअप लूँ, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइंट हो जाओ, उसमें आपका सब हेल्प करेंगे गाइस। तो यही था आज का वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करो वीडियो को।